मैंने सब्सक्राइब किया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Hey guys, आज एक नए दिन की शुरुआत, क्योंकि आज है थर्ड एनिवर्सरी हमारे गैंग ऑफ थार ग्रुप की और हम जा रहे हैं OTR एडवेंचर कैफे और थीम है ग्रीन। 1, 2, 3, 4 रोहित मीना एंड पुलकित भाई साहब, देख काला पैर है नीचे गए छरे मान गए। तो भाई आज हम जा रहे हैं गैंग ऑफ थार के अपने OTR एडवेंचर कैफे। मैंने सब्सक्राइब किया, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। भाई कैसे हैं दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैम और भाई हम पहुंच गए अपने OTR एडवेंचर कैफे। इसकी भी एक जर्नी है क्योंकि आज हमारे OTR एडवेंचर मतलब गैंग ऑफ थार के ग्रुप को हो गए पूरे 3 साल, क्योंकि 3 साल के अंदर अंदर हमारे जब भैया ने स्टार्ट किया था, अमरजीत भैया हैं जो यहाँ के एडमिन है, जिन्होंने ये गैंग ऑफ थार है अपना ग्रुप शुरू किया था, उसका जब स्टार्टअप हुआ था आज से 3 साल पहले कुछ थार से, और आज ये इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट ग्रुप बन चुका, क्योंकि इसमें लमसम 8,000 थार्स हैं इन इंडिया एंड बाहर भी भैया भी जाए हैं, जैसे चाइना हो गया और एक दो जगह कंट्री और गए, कनाडा हो गया, यहाँ पे भी इस ग्रुप को बनाया जा रहा है। तो इस ग्रुप के चलते भैया ने फिर बनाया अपना OTR एडवेंचर कैफे, जहाँ पे अपने ऑफ रोड ट्रैक्स हैं, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे हम 4x4 को चलाने की मतलब पूरा जब थार का जो मजा है ना वो सिर्फ यहाँ पे ट्रैक्स पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रैक्स यूज़ करके आप बाहर जाके भी गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, क्योंकि थार बड़ी सेफ्टी के साथ ही चला सकते हैं, तभी उसके मज़े आ सकते हैं। तो चलो हमारे एडमिन अमरजीत भैया जो 3 साल की जर्नी बताई है वो भैया ने शुरू की थी आज से 3 साल पहले, मतलब क्या ग्रुप था और कहाँ पहुंच गए 8,000+ थार्स, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका है और हम इसके मतलब इस ग्रुप के हिस्सा हैं, फैमिली है, और आज हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं 3 साल की अपनी एनिवर्सरी। सो गाइस भैया कुछ बताइए आप भी। हाँ जी, तो ये 3 साल पहले 3 साल पहले ये ग्रुप शुरू हुआ था, आज थर्ड एनिवर्सरी है, और हमारा सिर्फ ये ग्रुप 5 थार से स्टार्ट हुआ था, जो आज 8,000 से ज़्यादा थार हैं, 40,000 के करीब हमारे फेसबुक और इंस्टा पे मिला के थार ऑनर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो अभी ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप हो गया, अब आगे बड़ी मंजिल बाकी है, प्यार मिलता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, that's it। और भैया सच में हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे पर्सनली करते हैं, तो थैंक यू सो मच भैया। बट अभी हम ट्रैक्स पे ऑफ रोडिंग करेंगे, जंगल जाएंगे एंड अपनी पार्टी बाकी, तो स्टे ट्यून गाइस। तो वो भाई ने ही डिजाइन किया, भाई ने उसको मैन्युफैक्चर किया और बहुत अच्छे उसके रिस्पांस आ रहे हैं, तो एक बार जाइएगा पेज पर चेक कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरा
बढ़िया लगा भाई। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. So finally, अभी अपना चल रहा आगे, गाड़ियाँ सारी आगे जा रही हैं और ट्रैक पे जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। जंगल वाला ट्रैक है जहाँ पे हम ऑफ रोडिंग करते हैं ना, जहाँ मैं ड्रिफ्ट मारता नहीं रुकी थे, वही वाली जगह जा रहे ना अभी, हाँ वहीं जा रहे हैं आगे। ओ भाई आगे वहीं आगे वहीं आगे, और आज मेरे ख्याल से भैया आए हुए हैं तो वो भी मारेंगे ड्रेफ्ट। पहले वेट कम हो रहा है पिता देख के। टायर खाओ आशीर्वाद।
आगे थे, फिर JSBS से मिले और JSBS से मिल के हम आगे घर, क्योंकि हमें जल्दी आना था, टाइम नहीं रुक पाए क्योंकि रोज़र अकेला था, रोज़र को खाना बनाना था सबको, तो वो चीज़ें भी बहुत बड़ी मैटर करती है, मुझे जाना था घर। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, होप सो आपको अच्छा लगा होगा, छोटे एपिसोड आ रहे हैं, सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के नवा के नहीं बढ़ सकता, तो सपोर्ट चाहिए। और माँ बाप का ख्याल रखना है, खुश रहना है, लाइफ एक बार मिली है, खुश रहो, तो टेक केयर गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।